तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक रेजिस्टर है। इसका पहला बैंड है ग्रे, दूसरा है रेड, तीसरा है ब्लैक, चौथा है रेड और पांचवा है ब्राउन। तो ये पांच बैंड का रेजिस्टर है मेरे पास। इसमें जो सबसे पहले है ग्रे, ग्रे का जो कलर कोड है वो है 8, और जो रेड है मेरे पास उसका जो कलर कोड है मेरे पास वो है 2, और जो ब्लैक है उसका कलर कोड है 0, और जो फोर्थ बैंड मेरे पास होगा वो हमेशा रहेगा मल्टीप्लायर इसमें, तो 10^2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि रेड का कलर 2 है। वो जो लास्ट बैंड है मेरे पास, फिफ्थ बैंड, वो है टॉलरेंस, और टॉलरेंस का जो कलर बनता है वो है ब्राउन मेरे पास, और ब्राउन में ब्राउन का जो कलर कोड होता है वो है ±1%। तो 82 किलो ओहम ±1%, यानी मेरे पास ये जो रजिस्टर है जिसके पांच बैंड है, इसमें जो रजिस्टर के कलर कोडिंग है उसके हिसाब से जो वैल्यू आ रही है वो 82 किलो ओहम ±1% आ रही है। यह है इसके रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन। अब अगर हम मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू को फाइंड करें तो ये है 82 किलो ओहम, तो हम 200 किलो ओहम तक पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इससे इस रजिस्टर की वैल्यू मालूम करेंगे। 82 किलो ओहम, 82.1 किलो ओम इसकी वैल्यू आई। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू मल्टीमीटर से भी 82 किलो ओम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है कैलकुलेशन के हिसाब से भी और मेजरमेंट के लिहाज से भी। मेरे पास ये दूसरा रजिस्टर है, इसके भी पांच बैंड्स हैं। पहला वाला है इसमें रेड, दूसरा वाला है इसमें येलो, तीसरा वाला है इसमें ब्लैक, और चौथा भी है रेड, और जो लास्ट है मेरे पास इसका फिफ्थ बैंड वो है ब्राउन। जैसे बताया था कि पहले के तीन के हम डिजिट लिखेंगे, चौथा मल्टीप्लायर होगा और पांचवा होगा टॉलरेंस। तो 2 रेड का हुआ और येलो का है 4 और ब्लैक का है 0, और मल्टीप्लायर रेड है मेरे पास तो मल्टीप्लाई बाय 10^2 रेड की है 2, और टॉलरेंस है ब्राउन तो इसका भी सेम आएगा ±1%। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 240 मल्टीप्लाई बाई 10^2 ±1%, या फिर हम यूँ लिखेंगे 224 मल्टीप्लाई 10^3 ±1% इसकी वैल्यू आई है, या अगर हम इसको हम ±1%, ये इसकी वैल्यू आई है। अब हम मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि मल्टीमीटर से वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, कैलकुलेशन में भी और मेजरमेंट में दोनों में 24 किलो ओम आ रही है। हम बात करते हैं 6 बैंड रजिस्टर के बारे में। 5 और 6 बैंड के रजिस्टर की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होती है। 6 बैंड में जो 6th बैंड होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी या नहीं होगी।